उमरिया जिले के मानपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक मीना सिंह को प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार में पुनः दूसरी बार मंत्री पद से नवाजा गया है। मानपुर विधायक मीना सिंह के दूसरी बार मंत्री बनने पर उमरिया जिले में खुशी का माहौल बना हुआ है। उनके समर्थकों ने कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों से ही खुशी का इजहार किया है। हम आपको बता दें, विधायक मीना सिंह उमरिया जिले के बेलचरा गांव की मूलतः निवासी हैं। बताया जाता है उनका जन्म 5 नवंबर 1971 में हुआ था। वह छात्र जीवन से ही समाज सेवा और जनहित के कार्यों में जुट गई थीं। शिक्षा ग्रहण करने के दौरान वह मंडला में वनवासी सेवा मंडल के कार्यकारी सदस्य भी रही हैं। इंदौर से इन्होंने एमए की पढ़ाई राजनीति शास्त्र से की और एथलेटिक की सचिव भी रहीं। विधायक मीना सिंह वर्ष 1994 में जनपद सदस्य के रूप में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और 1996 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर अपना पंचम लहराया। उसके बाद आज पांचवी बार विधानसभा सदस्य के रूप में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इसके पूर्व मीना सिंह बीजेपी सरकार में पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग, महिला विकास विभाग व मंत्री बनाया जा चुका है। यह दूसरी बार है जब उन्हें पुनः मंत्री पद का दायित्व मिला है। क्षेत्र के लोगों ने हर्ष व्यक्त कर विकास कार्यों में गति देने की मंशा जाहिर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी टुडे न्यूज, उमरिया। मैं मीना सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। समस्त पाली मंडल की ओर से एवं उमरिया जिला की ओर से सुशील बहन मीना सिंह जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज शिवराज सिंह चौहान जी के मंत्रिमंडल में उन्हें मंत्री बनाए जाने पर पूरे नगर में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है और हम सब नगरवासियों की ओर से मीना सिंह जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मानपुर विधानसभा की लोकप्रिय विधायक बहन सुश्री मीना सिंह जी को शिवराज सिंह चौहान जी के मंडल मंत्री में मंत्री बनाए जाने पर सभी जिला उमरिया वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां।